बैक माई चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिजवान असद लोग मौजूद हैं इस वक्त एक विलेज में जो कि बद्दो मलिक के साथ है। बद्दो मलिक एक मशहूर पाकिस्तान का सिटी है जो कि बॉर्डर एरिया है। मैं इस वक्त यहाँ एक विलेज क्लास वाला में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ एक जो बंदी उसको बोलते हैं बानू। बहुत ही प्यारी वीडियो है इंशाल्लाह और दिखाऊंगा मैं ज़रूर। और यहाँ का मैं विलेज और काफ़ी कुछ यहाँ इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा आपकी अपनी इस वीडियो के अंदर। चले आइए हमारे साथ, मैं आपको एक बानो दिखाता हूँ। बानो देखिए वो चला ना। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। इधर नो जाइए, इधर नो था मेरा पुत्र बनने में साइड इधर पैड़ी के पीछे पापा तुर चली गई, पैड़ी के पीछे तुर चली गई। क्या क्या कितने जाना है? ना यार कितने नहीं ऐसा जाना, तेरी खाला पिंड जाना है। अच्छा आज कितने आया तू? खाला पिंड आया। अच्छा ए बदो मेले तेरी खाला दे पिंड है, सही गल है। अच्छा होर तू की कुछ कर रहा है? असर की अजान हो रही है, ये असर की अजान के लिए टाइम शुरू हुआ। भूखते हुए भूखते हुए कितने गोंद मारे, कितने एक ही खा दिए पिफदा ना, एक खीरा खान रही हूँ। इधर ना की है बानो, इधर ना बानो है। हाँ जी इसका नाम रखा हुआ है जी बानो। विलेज क्लास वाला मौजूद है बद्दो मलिक के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट मोटरसाइकिल का रास्ता लगता है। ये बॉर्डर एरिया है जो कि क्लास वाला काफ़ी यानी बद्दो मलिक काफ़ी मशहूर सिटी है पाकिस्तान के किसी भी सिटी में आप देख सकते हैं। इसमें सर्च करें बद्दो मलिक जो कि बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर हम मौजूद हैं इस बानो के साथ। ये है जी क्लास वाला गांव विलेज से बाहर एक रोड के साथ ही मस्जिद बनी है जो कि इस गांव में एंटर होते हैं। यहाँ पर ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनी हुई है, तकरीबन नई ही बनी हुई है, इससे पहले नहीं थी ये, इससे पहले नहीं थी, तकरीबन 2 से 3 साल पहले नहीं थी क्योंकि मैं उस वक्त आया था। इस वक्त यहाँ पर पहले नहीं थी लेकिन अब ये बन चुकी है। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम किया है और मैं आपको इस गाँव का विजिट करूँगा। हरे भरे दरख्त और गंदम सामने शाला वगैरह। इधर आ जाना कोना छिड़ी, इधर आ जा। जो कि छोटा सा गांव है और बहुत ही प्यारा बिल्कुल छोटा सा ये जानवर और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैं एक दरबार पर जाऊंगा, एक दरगाह पर जाऊंगा, वो आपको अभी दिखाता हूं मैं बस कुछ ही पलों में। चले हमारे साथ, हम आपको उस दरबार की तरफ लेके जाते हैं। ये रास्ता जो सामने से आ रहा है या जस्ते रास्ते में जा रहा हूँ, ये गांव में इंटर होने का रास्ता है, इस विलेज में इंटर होने का रास्ता है। और मैं इस वक्त जा रहा हूँ उस दरबार के ऊपर जहाँ मैं दरबार की काफ़ी मालूमात इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। शाम का पिछला पहर है, तकरीबन असर का टाइम है मेरे पास इस वक्त। की किदा बच्चा, किदा बच्चा, यार इतने मैंने कोई बच्चा नहीं दिखता है। वो कहाँ का बच्चा नहीं सी, कहाँ से ही आजा आजा उधरों नहीं चली फिलहाल, उधरों नहीं चली।
हाँ इधरों की रास्ता चाहिए है ना यार, मैं इधरों चलिए वापस आ उधरों, वो दूसरे पास रास्ता जा रहे हैं। यह जो दरबार जिस दरबार का मैं जिक्र कर रहा था, ये गांव के अकम में है, ये साथ ही गाँव और बहुत प्यारे दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं और मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ। ये है जी क्लास वाला बदोमली के साथ, ये जो मोटरसाइकिल जा रहे हैं ये बदोमली की तरफ जा रहे हैं और जो उस तरफ से आ रहे हैं वो है बदोमली और जा रहे हैं नरोवाद। और उसके साथ इधर लंगर भी शुरू हुआ है, ये कब्र कब्र हैं तो और एक ऊपर हैं और ये दरबार से दरबार में इंटर आउट का रास्ता है ये वाला जो मेन रोड है बदोमली और नरोवाल से नीचे उतरता है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको इधर यहाँ पर लंगर शुरू है जो वो भी दिखाऊंगा। और ये अमरूद यह जो वो दरबार जिस दरबार का मैं जिक्र कर रहा था, ये गांव के अकम में है, ये साथ ही गाँव और बहुत प्यारे दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं और मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ। ये है जी क्लास वाला बदोमली के साथ, ये जो मोटरसाइकिल जा रहे हैं ये बदोमली की तरफ जा रहे हैं और जो उस तरफ से आ रहे हैं वो है बदोमली और जा रहे हैं नरोवाद। और उसके साथ इधर लंगर भी शुरू हुआ है, ये कब्र कब्र हैं तो और एक ऊपर हैं और ये दरबार से दरबार में इंटर आउट का रास्ता है ये वाला जो मेन रोड है बदोमली और नरोवाल से नीचे उतरता है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको इधर यहाँ पर लंगर शुरू है जो वो भी दिखाऊंगा। और ये अमरूद तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।